हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्विस संचय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। हम लोग बहुत बार वीडियो अपलोड करते हैं और वो यूट्यूब में रैंक नहीं करती है या फिर सर्च रिजल्ट में भी वो नहीं आती है, तो क्या कारण से? कारण यही है कि हम लोग सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते या सही तरीके से वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मेरा 100% दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगी और इस टॉपिक पे आपको दूसरी वीडियो कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कैसे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सर्विस संचय यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कैसे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करेंगे। यहाँ पे ऊपर में वीडियो वाला आइकॉन जो आपको नज़र आ रही है सर्च बार के बगल में, उससे टच करेंगे तो यहाँ हमें वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ हमारा गैलरी ओपन हो गया। अब हमें हमारा वीडियो सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर देना है। चलिए, हमारा वीडियो सेलेक्ट कर लिया हमने, इसे अपलोड पे क्लिक करना है। उस पर पहले यहाँ पर टाइटल लिखने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखने दी हुई है। इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या फिर आप कुछ भी ऐसे ही लिख दो। चलिए, मैं ऐसे ही कुछ लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे इसे। यहाँ पे ये अपलोड लेना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। इसे अपलोड हो जाने के बाद हमें आ जाना है YT स्टूडियो, YouTube क्रिएटर स्टूडियो है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे हमें वो सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा जो हमें YouTube एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलता है या जो ऑप्शन हमें वहाँ पे नहीं मिल रही थी। चलिए, वीडियो को एडिट कर लिया हमने सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। तो टाइटल लिखने से पहले हमें टाइटल कैसे लिखेंगे इसी में हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना रहता है। तो आप YouTube वापस एप्लीकेशन ओपन कर लेना और आपको वो सर्च करना है जो जिस बारे में आपका वीडियो है, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है, जिस टॉपिक को सर्च करने से आपका वीडियो आप चाहते हैं आए, आप वो टॉपिक इसमें लिखिए। जैसे मैंने लिखा है हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, मेरा ये वीडियो इसी से है। तो यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिक सर्च में आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रही है। ये सारे ऑप्शन वो ऑप्शन है जो लोग सर्च करते हैं। तो आपको इस कीवर्ड को देखिए, जैसे मैंने क्लिक कर लिया ये ऊपर में आ गई, इसको मैं कॉपी कर लिया। ये दूसरे नंबर पे इसलिए आ रही थी क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टॉपिक को सर्च किया जा रहा है। मैंने वहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ 100 वर्ड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप फिर से एक और हिंदी में या फिर किसी और, चलिए मैं सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, फिर से मैं सर्च करूँगा अब फेसबुक वीडियो को डिलीट कैसे करें। ये हिंदी में भी मैं सर्च कर ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करें, मैं हिंदी में सर्च कर ले रहा हूँ। फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे देखिए फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे करें से ऊपर में है फेसबुक अकाउंट डिलीट, क्योंकि इससे ज़्यादा सर्च फेसबुक अकाउंट डिलीट को क्यों किया जाता है, इसलिए हम उसे ही कॉपी करते हैं। हमने सर्च किया, इसको भी हमने कॉपी कर लिया, इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब हम फिर से एक लाइन वाला ऑप्शन लगा के अपना चैनल का नाम दे देंगे, हमारा 100 वर्ड लगभग पूरा हो जाएगा। ये वर्ड कम भी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंपली अपना चैनल का नाम यहाँ पे दे देना। चैनल नाम के बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्शन। चलिए, अब हम लोग टाइटल में तो काम कर लिया हमने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, अब हमें डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना ये रहता है कि आपका वीडियो किस बारे में है, आपके वीडियो में क्या है। अगर किन्हीं ने आपका वीडियो देखने से पहले आपके डिस्क्रिप्शन में चेक किया कि इस वीडियो में क्या है, तो उन्हें ये मिलना चाहिए कि आपके वीडियो में क्या है, आपने यहाँ पे सही सही लिखा है या नहीं।
यहाँ पे आप सही सही ही लिखना जो आपके वीडियो पे है, जैसे इस तरह से इन दिस वीडियो हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ से लिख देना है। और यहाँ पे हम लोग 5000 वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग और भी बहुत कुछ लिखेंगे। तो पहले हम लोग अपना मेन डिस्क्रिप्शन को लिख देते हैं, हाउ टू फेसबुक अकाउंट डिलीट और डीएक्टिवेट, इस तरह से कुछ लिख देना। आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी हमें कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। यहाँ पे भी हम लोग जो टाइटल नेम दिए थे वो दोनों नाम को हमें यहाँ पर भी लिखना है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, चैनल नेम को मैंने हटा लिया क्योंकि वो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इतना हमने कॉपी कर लेना है। और अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रा सा नीचे आ जाएंगे और ये लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे कि योर क्वेश्चन फॉर, और ये लिख देंगे हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। मेन हम लोग को वो जो हमने टाइटल लगाए थे वही चीज़ हमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है और टैग में भी लिखना है। तीनों जगह में ये रैंक कर जाएगी और हमारा ये कीवर्ड वर्क करेगी। मेन फंडा यही है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया लेकिन बहुत नॉलेजेबल है। ये वीडियो देखने के बाद आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आराम से कर सकते हो। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आपको कोई कॉमा या अंडरलाइन अंडरस्कोर कुछ भी नहीं देना है, आपको सिंपली लाइन बाय लाइन लिख देना है। अब यही नेम हमें टैग में भी डालना है। टैग में डालने के लिए हमें कुछ भी लिखने के बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है और वो टैग बन जाता है। तो चलिए मैंने इसमें कॉमा लगा के इसे कॉपी कर लिया और वापस से मैं कॉमा हटा दूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कॉमा नहीं देना है लेकिन टैग में देना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग सेकंड थर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे, इसके टैग्स पे, ऐड टैग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा ये दोनों कीवर्ड आ गए। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने के बाद कॉमा जैसे आप लिखोगे ये टैग बन जाती है। तो हमारा टैग का भी काम कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारा टैग लगाना पड़ता है। टैग ये होता है कि कोई भी आदमी क्या सर्च करेगा तो आपका वीडियो आएगा, तो इसलिए आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है इसमें, जैसे कि हाउ टू फेसबुक अकाउंट डिलीट, फेसबुक अकाउंट को डिलीट कैसे करें, इस तरह से आप बहुत कुछ बना के जिससे लोग टाइप करें हाउ टू डिलीट, इस तरह से बहुत कुछ आपको अपने मन से बना के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसे ये बहुत सारा आप लिख दोगे तो आपके वीडियो रैंक करने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऊपर में ऑप्शन है, प्लेलिस्ट होता है एक कैटेगरी वाइज होता है, आप अपने वीडियो को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट आप जैसे पहली बार क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट बनाने के लिए दिया जाएगा कि आप क्या नाम से रखना चाहोगे। एक तरह का आप इसे ग्रुप समझ लीजिए, आप अपने वीडियो को किस ग्रुप में रखना चाहते हैं और उसमें आपको नाम खुद से बनाना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आप आ जाएंगे, वीडियो का थंबनेल। हमारा वीडियो कोई भी ओपन करेगा तो उसे कौन सा पिक्चर दिखेगा, तो थंबनेल पे जैसे क्लिक करेंगे, कस्टम थंबनेल पे क्लिक करेंगे, हमारा गैलरी ओपन हो जाएंगे। तो हमें पहले से ही पिक्चर बना के रख लेना है जो हमें दिखाना है लोगों को, जो वीडियो के ऊपर में एक पिक्चर लगी रहेगी जिसे लोग देख के क्लिक करेंगे, तो इसे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनानी होगी। ये कैसे आप बनाएंगे, ऊपर में मैं एक आई बटन पर लिंक दे दूंगा, मैंने इस पर भी एक वीडियो आपको बना दी है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। चलिए बस इसे अपलोड करके आपको सेव कर देना है और हमारे ये पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ये करके आप ज़रूर देखना, अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक और तरीका आपको शेयर कर दूंगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप किन्हीं के भी दूसरे के मोबाइल से अपने वीडियो को जो टाइटल लगा के आपने अपने वीडियो को अपलोड किया उस टाइटल से आपको अपना वीडियो को सर्च करना है। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो की सर्च रैंक बढ़ेगी और सर्च रिजल्ट बढ़ेगी। इस तरह से आप बड़े आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।